सलाम नमस्ते और की हाल चाल। हम एक भी मौका नहीं छोड़ते इंडियन सिनेमा को ताने मारने का या फिर उसे क्रिटिसाइज करने का, और हमेशा कहते ही रहते हैं कि इंडियन मूवीज में वो हॉलीवुड वाली बात ही नहीं है। तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि लिस्ट की हर मूवी को देखने के बाद आप बोलोगे कि मारा बॉलीवुड हॉलीवुड से कम है के। और वीडियो की बेस्ट बात ये है कि इन सारी मूवीज को आप फ्रीली देख सकते हो, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो या तो यूट्यूब पे अवेलेबल है या फ्री ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि इन मूवीज में भले आपको कोई स्टार किड देखने को ना मिले, पर एक बेहतरीन स्टोरी जरूर मिलेगी। 2011 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है एरर 404। मूवी में स्टोरी अभिमन्यु के, जो एक ऐसे कमरे में रहने के लिए जाता है जिसमें एक लड़के की मौत हुई होती है। और इस मूवी को किसी नॉर्मल हॉरर मूवी से कंपेयर भी मत करना, मूवी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूनिक है। और अगर विश्वास ना हो तो जाके ट्रेलर देख लेना भाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क पता ही नहीं चलता। The critical mind is knocked off. रियल लाइफ में रेड कैसे पड़ती है ये देखने का मौका शायद ही हम में से किसी को मिला होगा, पर आप इसे रियल लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस कर सकते हो 2018 में रिलीज हुए रेड से। इस घर में कोई सरकारी अफसर मच्छर मारने नहीं आ सकता, तुम रेड मारने आ। 18 पे सच्ची घटना पे आधारित मूवी जिसका नाम है मांतो, जिसमें स्टोरी एक मुस्लिम राइटर की जिसे मजबूर किया जाता है आजादी के टाइम पर पाकिस्तान जाने के लिए। बाकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग तो टॉप क्लास है ही है। अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त। 2009 में रिलीज हुई वेकअप सेट, जिसमें स्टोरी है सेट की, जो दुनिया के अकॉर्डिंग बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का होता है, पर जब वो आयशा से मिलता है तब उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। इसे तो हीरो बनो, हीरो। I'm also feeling कि तुम हीरो बन जाओ, इसे भी तुम कुछ करते नहीं हो। 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है मदारी, और ये मूवी प्रूफ है इस बात का कि बॉलीवुड में अच्छी मूवीज अच्छा कलेक्शन कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसने कमाए थे सिर्फ 28 करोड़। और मूवी में इरफान खान की दमदार परफॉर्मेंस को आपको जरूर देखना चाहिए। जो सपना दिखाया देख लिया, जो टीवी ने बोला, जो अखबार ने बोला मान लिया, लेकिन तुम मेरी दुनिया मुझसे छीनोगे, मैं तुम्हारी दुनिया में गज जाऊंगा। 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है मद्रास कैफे, और इस मूवी में आप देखोगे कि आखिर इंटेलिजेंस एजेंट्स काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सच सिर्फ उतना नहीं होता। 2016 में रिलीज हुई अरोवी, मूवी का IMDb रेटिंग 8.5, और स्टोरी एक लड़की की जिसके साथ क्या कुछ नहीं होता, ये तो आपको मूवी में ही देखना चाहिए। कोशिश क्यों नहीं करते। 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है विक्रम वेधा, जिसमें से विक्रम एक पुलिस इंस्पेक्टर है, और वेधा कौन है इसका पता आपको मूवी में चलेगा। 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है लाल रंग, और इस मूवी में आपको खून का बिजनेस होता हुआ दिख जाएगा, और साथ में रणदीप हुड्डा की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल है। यदि कोई पकड़ा गया तो भारतीय संविधान की कसम उसका तो मैं चमकादड़ सा बना दूंगा। 2012 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है कहानी, जिसमें कहानी है विद्या की, जो अपने खोए हुए पति को ढूंढने के लिए निकलती है। रिलीज हुई एक ड्रामा बेस्ड थ्रिलर मूवी जिसका नाम है पिंक, मूवी स्टोरी तीन लड़कियों की, जिनका सच जानने के लिए आपको इसे 2 घंटे 16 मिनट देने पड़ेंगे, जिसमें आपकी मदद करेंगे अमिताभ बच्चन। किसको अच्छा लगता है सर, कोई इस तरीके से छुए जबरदस्ती। 2012 में रिलीज हुई इंग्लिश विंग्लिश, मूवी में देखने को मिलती है श्रीदेवी, जो कि एक हाउस वाइफ है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, और उसके बाद शुरू होती है बहुत सारी कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा। मैम, हाउ आर यू मैनेजिंग आवर कंट्री इफ यू डोंट नो इंग्लिश? और अगर आप भी चाहते हो कि इंडिया में इंटरस्टेलर जैसी हाई बजट मूवीज बने, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि जब तक ऐसी मूवीज कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। अब से शेयर मार्केट में मुझे बताए बिना एक भी पॉइंट यहाँ हुआ नहीं होगा। 2015 में रिलीज हुई एक थ्रिलर ड्रामा मूवी जिसका नाम है तलवार, मूवी स्टार्ट होते हम देखते हैं कि एक लड़की का मर्डर हो जाता है और सारा शक जाता है उसके पिता की तरफ। अब एंड तक आपको ये देखना है कि आखिर मर्डर कौन है। सर, किसी भी बेगुनाह को सजा मिलने से अच्छा है 10 गुनाहगार छूट जाए। 2017 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम मूवी जिसका नाम है तीरन, जिसमें स्टोरी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की। 2015 में रिलीज हुई दृश्यम, और इस मूवी ने बॉलीवुड को सिखा दिया कि भाई आखिर थ्रिलर मूवीज बनती कैसे हैं। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। 2019 में रिलीज हुई एक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है छिछोरे, और इस मूवी में आपको बहुत ही अच्छी हॉस्टल लाइफ देखने को मिलेगी। हरामी हो तुम लोग, माँ भी यही बोलती है। 2018 की क्राइम कॉमेडी मूवी जिसका नाम है अंधाधुन, और बॉलीवुड में मैंने इससे ज्यादा थ्रिलिंग मूवी आज तक नहीं देखी, और साथ में आयुष्मान की एक्टिंग तो मूवी में जान फूंक देती है। ऑटो ने रास्ता रोका है, पीछे ऐश्वर्या राय का फोटो लगाया गया।
सेकेंड पे 2018 में रिलीज हुई एक अमेजिंग क्राइम मूवी जिसका नाम है रत्सासन, जिसमें स्टोरी एक किलर की जो 15-16 साल की लड़कियों का मर्डर करता जाता है, जिसका पता आपको इस मूवी को देखने के बाद ही चलेगा। नंबर 1 पे 2020 में रिलीज हुई एक ड्रामा रोमांस मूवी जिसका नाम है दिल बेचारा, और ये मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ कि मूवी आपको रुला के जरूर जाएगी। और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, अभी नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।